सी के जिंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम मैं हूं खुदावंद का ख़ादिम पास्टर यूनसम सालिम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जबूर की तफसीर के साथ तो लास्ट एपिसोड में हम बात जो है वो कर चुके थे ज़बूर नंबर पांच उसकी तीसरी आयत का पहला हिस्सा ए सुबह को तू मेरी आवाज सुनेगा तो आज हम जबूर नंबर पाँच उसकी तीसरी आयत का दूसरा हिस्सा इससे शुरू कर रहे हैं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा और मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूँगा खुदावंद के पाकलाम के स्वाब से आज हमें बड़ी बरकत मिले आमीन तो जबूर नंबर पाँच उसकी तीसरी आयत का पहला हिस्सा लास्ट एपिसोड में हमने सीखा है और दूसरे हिस्से में है मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा बड़ी खूबसूरत बात है जबूर नवीस की पहली तो बात लोग दुआ करने वाले नहीं है दूसरी बात लोग सुबह सवेरे दुआ करने वाले नहीं है और तीसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है अगर कोई दुआ करने वाला है या सुबह सवेरे दुआ करने वाला है तो वो इंतज़ार करने वाला नहीं है और लोग दुआ करके चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो है उनका जवाब मिल जाए तो यहाँ पर जबुरनविस कहते हैं मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूँगा देखें इसके अंदर किस कदर ईमान है किस कदर इसके अंदर सब्र और तहमल है कि दुआ के साथ साथ वो खुदा का इंतजार भी कर रहा है जी तीसरी आयत का पहला हिस्सा हमने सीखा था कि खुदावंतु सुबह को मेरी आवाज सुनेगा तो हमने सीखा था कि सुबह के लिए जो अबरानी जुबान का जो लफ्ज है वो बुकर है नुक्ते के साथ बुकर है और बगैर नुक्ते के वकैर है और यहाँ पर उसी लफ्ज का तर्जमा सवेरे किया गया है सवेरे और जबूरन भी ये कहते हैं कि मैं सवेरे ही तुझसे तमाम कामों से पहले यानी ये तरजीह है दुआ को कि सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा तो दुआ के हवाले से हम काफ़ी सीख चुके हैं और जो सवेरे है सुबह है इसके हवाले से भी हम काफ़ी सीख चुके हैं तो अभी बात हम करेंगे इंतज़ार करने के हवाले से क्योंकि नवीस कहता है मैं सवेरे ही इंतज़ार करूँगा तो यहाँ पर जो इंतज़ार करने के लिए अबरानी जुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है असपे अस पे अब्रानी जुबान का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और मुख्तल जगहों पर इसका मुख्तलफ जो है वो तर्जुमा हुआ है और ये इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि लफ्ज की वसत तक हम पहुंच सकें कि लफ्ज किस कदर वसी मानी रखता है तो जबूर छियासठ उसकी सातवीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जमा देखना किया गया है और इंग्लिश में इसका तर्जमा भी होल्ड है पैदाश इकत्तीस बाप की उनचास आयत में इसका तर्जमा निगरानी किया गया है और इंग्लिश में इसका तर्जमा वाच किया गया है सैमुल की पहली किताब उसका चौदवा बाब सोलहवीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जमा निघेबान किया गया है और इंग्लिश में इसका जो तर्जमा है वो वॉचमैन किया गया है और अयूब की किताब पंद्रवा बाब बाईसवीं आयत में इस लफ्ज़ का तर्जमा मुंतजर किया गया है और इंग्लिश में इसका तर्जमा वेटेड किया गया है तो बताना चाहता हूं कि बाइबल के उर्दू तर्जमे के अंदर जो लफ्ज़ इंतज़ार है ये उनचास दफ़ा आया है और लफ्स मंतज़र जो है ये तैतालीस दफ़ा इस्तेमाल हुआ है तो ये बड़ी ख़ूबसूरत बात है नवीस की बेशक वो दुआ कर रहा है लेकिन दुआ के साथ साथ वो इंतज़ार भी कर रहा है और इंतज़ार करना ये तहमल का सबूत है इंतज़ार करना ये सब्र का सबूत है इंतज़ार करना ये ईमान का सबूत है अगर दुआ तो की जाए और इंतज़ार ना किया जाए तो ये बेसब्री का सबूत है और यहाँ पर ज़बूरनवीस इंतज़ार करने वाला है और एक और बड़ी फेमस आयत है जो इसके साथ रिलेटेड है आपके सामने रखना चाहता हूँ इमसाल की किताब उसका आठवां बाब चौंतीसवीं आयत जो है हमारे आज के मौजू के साथ वो रिलेटेड है लिखा है मुबारक है वो जो हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है ये बात की गई है ऐसे शख्स को मुबारक कहा गया है दो और भी बातें हैं मुबारक है वो जो मेरी सुनता है और मेरी चौकटों पर ठहरा रहता है तो हमारे मौजू के साथ ही रिलेटेड है कि जो फाटकों पर इंतजार करता है जो खुदावंद का इंतजार करता है खुदावंद की हजूरी का इंतजार करता है खुदावंद की चौकटों पर ठहर थह कर खुदावंद का इंतजार करता है ऐसे शख्स को मुबारक कहा गया है ऐसे शख्स को बाप बरकत कहा गया है और ऐसे शख्स को एप्रीशिएट किया गया और ये हवाला इसके साथ रिलेटेड है बड़ा खूबसूरत है कि ऐसे शख्स को मुबारक कहा गया जो हर रोज फाठकों पर इंतजार करता है मुबारक है वो आदमी और मजीद बढ़े तो ईसाया की किताब उसका चालीसवा बाब आयत नंबर उनतीस है लिखा है वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान को की तवानाई को ज़्यादा करता है नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे लेकिन खुदामंद का इंतज़ार करने वाले आसर नौ जोर हासिल करेंगे वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे वो चलेंगे और मानदा ना होंगे यहां पर सूरमा के बारे में बारे में यह है कि वो गिर पड़ेंगे आपको याद है सूरमा बड़ा कवि होता है नौजवानों के बारे में यह है कि वो थक जाएंगे लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले जो खुदावंद को देखते हैं जो खुदावंद पर निगाह करते हैं लिखे आसरे नौ जोर हासिल नया जोर पाएंगे उकाबों की तरह अकाबों जैसा क्योंकि अकाब जो है वो नया ज़ोर हासिल करता है और इसी तरह ये लिखा है कि वो असर न ज़ोर हासिल करेंगे आगे लिखा है वो उकाबों की मंद बालों पर बालों पर से उड़ेंगे और आपको याद है कि उकाब जो है जब बूढ़ा हो जाता है या इसका आ, नाखन ठीक काम नहीं करते चूँच काम ठीक नहीं करती पर जो इसके पूरा साथ नहीं देते तो फिर ये पहाड़ों में चला जाता है और वहाँ पर अपनी चूँच मार मार के पत्थरों पे तो उतार देता है और फिर नई चूँच निकलती है इसके नाखन नए निकलते हैं और ये इसके पर नए निकलते हैं तो फिर वो असर नौ जोर हासिल करता है यहाँ पर उकाब के इस काम को मद्देनज़र रखते हुए खुदा के लोगों के बारे में ये बात की गई है कि जो खुदा के लोग हैं वो नया जोर पाएंगे खुदा के लोग जो हैं वो नया जोर हासिल करेंगे और जवान थक सकते हैं सुरमा जो हैं वो गिर सकते हैं लेकिन खुदावंद खुदा का इंतज़ार करने वाले जो हैं वो नया जोर पाएंगे सुमसी आसमान पर जाना चाहते थे तो आसमान पर जाने से पहले शागिदों से ये बात की कि बाप के वादे के मुंतजर रहो और जब तक बाप का वादा पूरा ना हो इधर ठहरे रहो और आपको याद है यसुम मसीह ने शगिर्दों से ये बात रूल को उसके नाजुल होने ना के हवाले से की थी यसुम मसीह ने ये बात शगर्दों से की थी उस रूह के बारे में जो जिसका वादा किया था और जिसके बारे में ये था कि बाप नाजुल करेगा और शिगर्दों से कहा कि बाप के वादे के मुंतजर रहो और आपको याद है जब वो मुंतजर रहे तो पाकरून पर नाजुल हुआ बाइबल कहती है वो सब कुवत से भर गए जिस तरह ने उनको बोलने की ताकत बख्शी थी क्योंकि ये मंतजर थे और जो मंतजर होते हैं वो कमजोरी में जोर पाते हैं जो मंतजर होते हैं वो कुवत पाते हैं मुंजर होते हैं असर नौ जोर हासिल करते हैं और मुंतजर होते हैं तो उनकी दुआ का जवाब दिया जाता है बड़ी खूबसूरत बात जबूर्न में इसने की है मैं सवेरे ही दुआ करके इंतज़ार करूंगा लोग सुबह सवेरे दुआ करने वाले नहीं है और लोग दुआ करने वाले नहीं है और तीसरी बात अगर दुआ करने वाले हैं तो इंतज़ार करने वाले नहीं तो ज़बूर ज़ुबरनवी इसकी बड़ी खूबसूरत बात है खुदावंद का इंतज़ार करना यकीनन जो कोई खुदावंद का इंतजार करता है खुदावंद उसको जवाब देता है खुदावंद उसको ज़ोर देता है और खुदावंद उसकी सुनता है तो यहाँ पर एक नई आयत को हम शुरू करना चाहते हैं जबूर पाँच उसकी चौथी आयत को लिखा है क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो बदी तेरे साथ नहीं रह सकती खुदावंद के पाकलाम के स्वब से आज हमें हम बड़ी बरकत मिले आमीन जबीस कहते हैं तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो और प्रस्तों कौमों की बात करें जिनके बुत थे हाथ के बने हुए बुत थे उनकी बात करें वो मंदिरों में थे उनकी इबादत का जो हिस्सा था बाज शरारत के काम थे जैसे वहाँ देवदासियाँ थी और वो बाहर से आने वाले जो मर्द हैं उनके साथ जिनसी तोल कायम करती और तस्वर ये था कि इस तरह से देवी खुश होती है लेकिन हमारे ख़ुदा के नज़दीक ऐसा काम तो मकरू है और गलत है और दास काम के अंदर उसने फरमाया तू जना ना करना तो हमारा खुदा जो है लिखा है शरारत से खुश नहीं होता तो ऐसा खुदा है जो शरारत से खुश नहीं होता और मैं आपको बताना चाहता हूँ शरारत से खुदा इसलिए खुश नहीं होता पहली बात याद करें कि खुदा पाकिजगी का खुदा है खुदा पाक खुदा है और बाइबल जो है ये भरी पड़ी है इस हवाले से खुदा पाक है खुदा कदूस है और बाइबल इस हवाले से भरी पड़ी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यशवा की किताब उसका चौबीसवा बाब उसकी नामी आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदा की ये खूबी लिखी है कि खुदा पाक है जबूर ननानवे उसकी नामी आयत पढ़े तो वहाँ पर भी लिखा है खुदा पाक है और आप ये साया की किताब उसका छठा चैप्टर पढ़ें तो वहाँ पर भी ये साया नबी एक रोया देखता है और वहाँ पर क्रोबियों को वो देखता है और क्रोबी दूसरों से कहते हैं खुदा की ज़ात के बारे में कि कदूस 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 ये खुदा की पकीजगी का अलान है ये खुदा की पकीज़गी की बात है और तीन मरतबा कहा गया कि ये बात मुस्ंद है कि खुदा पाक है और ये कदूस का लफ्स यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये खुदा की पाकिजगी के हवाले से है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये ऐसा लफ्स है जो फरिश्ते खुदा की आबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं और फरिश्ते ने कहा कदूस लिहाजा खुदा पाक है इसलिए शरारत से खुश नहीं होता खुदा कदूस है इसलिए शरारत से खुश नहीं होता पाक है और वो गुनाह से नफ़रत करता है और वहाँ पर लिखा है ना कि खुदा जो है पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता तो ये खुदा की सिफ्त बयान की गई है खुदा की अखूबी बयान की गई है कि वो पाक है और वो बदी से खुश नहीं होता मजिद हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ तक मिलता है क्योंकि खुदा पाक है बदी को पसंद नहीं करता और जो लोग बदी को पसंद करते वो उनके साथ नहीं रहता क्योंकि वो पाक है और जो बदी को पसंद करते हैं उनसे अलग हो जाता है उनसे जुदा हो जाता है और उनको छोड़ देता है इसके लिए मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं ये सैमुल की किताब में है आपको याद होगा कि सऊल बादशाह मसा किया गया वो बादशाह हुआ इसराइल का और खुदा की रूस पर जो है वो ठहर गई खुदा की पाक रूस पर जुम्बश करने लगी और लोगों ने देखा कि वो नबूत भी करता है नबियों के साथ है लेकिन एक वक्त आया कि खुदा जो है उसका पाक रू जो है उससे खुदा का सऊल बादशाह से जुदा हो गया वजह क्या थी वजह यह थी कि उसकी जिंदगी में गुना आ गया जैसे वो दौद से हसद करने लगा फिर उसने नाफरमानी की वो अजाज बादशाह को और भेड़ों को जिंदा ले आया वहाँ से फिर उसने कुर्बानी भी चढ़ा दी जो सैमुल का काम था इस तरह से खुदा इस शख्स से अलग हो गया और याद करें अगर कोई शख्स बदी को अपने दिल में रखे गुनाह को रखे तो खुदा उसके साथ नहीं रहता क्योंकि खुदा ऐसा खुदा है जो शरारत से खुश नहीं होता जी अब शरारत के हवाले से हम बात करेंगे तो शरारत के लिए जो लफ्ज अबरानी जुबान का यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो है रेशा रेशा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रेश है उसके नीचे सीगोल है और फिर शीन है उसके नीचे पतख है और फिर एन है रेशा इस्तेमाल हुआ है और इसका तर्जमा यहाँ पर शरारत किया गया है और इसका तर्जमा शरारत इसका तर्जमा बुराई शैमुल की पहली किताब चौबीसवां बाब तेरहवीं आयत वहां पर इसका तर्जमा बुराई किया गया है और इंग्लिश ने इसके लिए लिखा है विकनेस और फिर अयूब की किताब उसका चौतीसवां बाब आठवीं आयत में इस लफ्ज का तर्जुमा शरीरों की आ गया है और इंग्लिश ने यहाँ पर इसका तर्जुमा विक्ड मैन किया है विक्ड मैन उर्दू में इसका तर्जुमा शरीरों है यानी ऐसा शख्स जो शरारत करता है और बुराई करता है तो ये इसके त्रराजुम हुए हैं और इसका मतलब है कि खुदा को पसंद नहीं है खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो शरारत से खुश हो बल्कि शरारत से और शरीर से खुदा नफरत करता है इंसान को प्यार करता है लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर शरारत आ जाती है उसकी जिंदगी के अंदर शरारत का कब्जा हो जाता है बुराई का कब्जा हो जाता है फिर खुदा उसको पसंद नहीं करता और खुदा उससे अलग रहना चाहता है तो जुबू नंबर एक में हमने शरीरों के हवाले से देखा जुबू नंबर एक के शुरू में मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता क्योंकि शरीरों की सलाह ठीक नहीं है उनके अंदर शरारत है उनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई है और वो शर्पसंद है शरारत पैदा करते हैं और शरारत करने वाले लोगों के वो संगी हैं, लेकिन जो खुदा प्रस्त है उसके बारे में ये है कि वो उनकी मशवरे में उसकी सलाह में नहीं चलता तो खुदा ऐसे लोगों में रहता है जो शरारत से बाज रहते हैं हमारा खुदा शरारत से खुश नहीं होता इसलिए आज के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक करना बड़ा जरूरी है पहली बात याद करो क्या हम दुआ करने वाले हैं क्या हम सुबह सवेरे दुआ करने वाले हैं क्या हम दुआ करके इंतजार करने वाले हैं या बेसब्री का मुजारा करते हैं तो ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं सीखना और ये बात भी खुदा ऐसा खुदा है जो शरारत से खुश नहीं होता अपने आप को चेक करने की जरूरत है हमारी जिंदगी कैसी है क्या शरारत से हम बाज रहते हैं या हमारी जिंदगी के अंदर शरारत काम करती है खुदा शरारत से खुश नहीं है हमें भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना है क्योंकि खुदा शरारत से खुश नहीं है हमें शरारत से बाज रहना है कलाम के वसीले से खुदांद खुदा हम सब को बड़ी बरकत बख्शे मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए पी एम आई टी वी